हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आप लोगों को बेस्ट टॉप 5 लैपटॉप्स 1 लाख से 1 लाख 50 हज़ार रुपए के प्राइस बजट के अंदर। और दोस्तों, ये जो 5 लैपटॉप्स हैं, इनके अलावा भी और भी लैपटॉप्स आते हैं, लेकिन ये मुझे बेस्ट लगे, बेस्ट 5 लगे, इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट करा आप लोगों को बताने के लिए। और ये जो 5 लैपटॉप्स हैं, ये बेस्ट हैं, वैल्यू फॉर मनी है अपने प्राइस बजट के अंदर। तो इन 5 लैपटॉप्स में से जो भी आपका बजट सूट करता है, जो भी आपका बजट मैक्सिमम बैठता है, मिनिमम या मैक्सिमम 1 लाख से 1 लाख 50 हज़ार रुपए के बीच में, वाला लैपटॉप आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। और गारंटीड आप इनमें से जो भी लैपटॉप अपने प्राइस बजट के हिसाब से, आप डेफिनेटली बिल्कुल सेटिस्फाई रहेंगे उससे। दोस्तों, मैं आप लेकर के चलूंगा आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पे और बताऊंगा उन लैपटॉप्स के बारे में और कुछ कंपैरिजन भी बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि मैंने डिटेल में भी बताया है, थोड़ा कंपैरिजन करके भी बताया है। तो कोशिश करूंगा नीचे वीडियो के टाइम स्टैम्प्स भी छोड़ दूं, मतलब जहां पे मैंने डिफरेंस बताया है या खाली मैंने जहां पे बताया लैपटॉप के बारे में, तो उनका मैं टाइम स्टैम्प्स भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली दिखाता हूं आपको बेस्ट 5 लैपटॉप्स। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फहाद, आप देख रहे हैं टेक टू बूम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हमारा पहला लैपटॉप है ये वाला एसर नाइट्रो 5 वाला लैपटॉप। और ये एसर नाइट्रो 5 सीरीज़ के अंदर है, जो कि आता है लगभग 95,000 रुपीज़ का। अभी 1 लाख से थोड़ा कम है, 5,000 रुपीज़ कम है 1 लाख रुपए से, लेकिन ये 1 लाख रुपए की प्राइस बजट में, मतलब कह लो 95,000 तो राउंड फिगर, मतलब 5,000 कम है, लेकिन 1 लाख रुपए की प्राइस बजट में हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो एंट्री में, मतलब कहूँगा एंट्री लेवल में, 1 लाख रुपए के प्राइस बजट में 95,000 रुपीज़ में एग्जैक्टली ये बेस्ट लैपटॉप है। अब दोस्तों, इस लैपटॉप के अंदर हमें जो मिलता है, वो मिलता है Ryzen 5 5600H प्रोसेसर। अब इस प्रोसेसर के बारे में आपको मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं, ये जो प्रोसेसर है, जैसे कि आप देख सकते हैं AMD की अपनी वेबसाइट पे, 6 कोर और 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है ये वाला। बेस क्लॉक इसकी हमें 3.3 GHz मिल जाती है, बूस्ट अप टू 4.2 GHz की मिल जाती है, और AMD की लेटेस्ट 7nm की आर्किटेक्चर की पर बेस्ड है। और इसकी जो TDP रहती है 45 वॉट रहती है मिड में, और लोएस्ट 35 रहती है, और हाईएस्ट 54 वॉट तक जाती है। बाकी इसके अंदर हमें L3 कैश 16MB की मिल जाती है, और मेमोरी जो है ये अप टू 4266 MHz तक की सपोर्ट करता है। और लैपटॉप में इसमें जो बाय डिफॉल्ट आपको रैम मिलती है, वो 16GB की DDR4 रैम मिलती है 32 MHz वाली। ये सिंगल चैनल में मिलती है आपको इसमें, यानी कि एक स्लॉट खाली रहेगी जिसमें आप और भी ज़्यादा रैम अपग्रेड कर सकते हैं। तो सिंगल चैनल की सिंगल स्टिक हमें 16GB इंस्टॉल्ड मिलती है इस लैपटॉप के अंदर। बाकी 1 TB की हार्ड ड्राइव मिल जाती है 7200 RPM वाली, और 256GB की M.2 NVMe SSD मिलती है। उसके साथ ही हमें इसमें इस प्रोसेसर के कॉम्बिनेशन के साथ में हमें NVIDIA का GeForce RTX 3060 ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है, लेटेस्ट 6GB वाला। और इसका जो डिस्प्ले है लैपटॉप का, वो है 144Hz का पैनल, जो कि एक IPS पैनल है। अब इसके कलर कैलिब्रेशन बहुत एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक अच्छे खासे इसमें कलर्स रिप्रोडक्शन वगैरह आपको मिल जाते हैं 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में। और डिस्प्ले का जो साइज इसका दोस्तों, वो है 15.6 इंच का, और इसका टोटल वेट जो है लैपटॉप का 2.4 kg का है। बाकी इसमें हमें प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 10 होम मिल जाती है। बैटरी बैकअप इस लैपटॉप का अगर मैं बताऊं, इसमें कंपनी ने क्लेम किया है 13 आवर्स का, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन बैटरी बैकअप आपको इस प्रोसेसर और GPU के कॉम्बिनेशन के साथ में आपको लगभग मिलेगा 5 से 6 घंटे का, मैक्सिमम 6 घंटे तक का, अगर आप 70 से 80% ब्राइटनेस के ऊपर कोई भी वीडियो प्लेबैक करते हैं। बाकी दोस्तों, इसमें जनरली जो भी हमारी लेटेस्ट USB पोर्ट्स हैं, वो मिल जाती हैं, जैसे कि देख सकते हैं 2 USB 3.2 Gen पोर्ट्स मिल जाती हैं, एक USB 3.2 Type-C पोर्ट मिलती है Gen 2 की, एक USB 3.2 Gen 2 की पोर्ट मिल जाती है, और पावर ऑफ चार्जिंग सपोर्ट के साथ में, और एक HDMI आउटपुट मिलता है, एक कैंसिलिंग लॉक मिल जाता है। और बाकी एक ये आपको देख सकते हैं, हमें 3.5mm जैक मिल जाता है, सिंगल जैक मिलता है इसके अंदर, जिसमें ऑडियो और माइक का जो है दोनों का ही इनपुट आउटपुट रहता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये हैं पोर्ट्स की, जैसे कि आप देख सकते हैं, और राइट साइड पे इसके ये पोर्ट और HDMI केबल और टाइप सी पोर्ट वगैरह दी गई है वेंट्स के साथ में। बाकी इसमें कीबोर्ड जो मिल जाता है, हमें RGB कीबोर्ड मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसके कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल मैं इस लैपटॉप के बारे में कहूं तो काफी अच्छा, काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है ये नाइट्रो सीरीज का लैपटॉप। बिल्ड इसकी जाहिर सी बात है नाइट्रो सीरीज के अंदर, नाइट्रो 5 सीरीज में स्पेशली, मतलब ऑफकोर्स फाइबर की रहती है, कोई मेटलिक बिल्ड वगैरह नहीं मिलती हमें, लेकिन इसका जो लुक्स एंड डिजाइन है, इसकी फील जो है, वो काफी प्रीमियम है। ओवरऑल काफी अच्छी बिल्ड के साथ एसर के नाइट्रो 5 सीरीज के लैपटॉप आते हैं, और इस वाले लैपटॉप में 95,000 में जो ओवरऑल हमें हार्डवेयर मिल रहा है, वो काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी हमें दे रहा है। और जैसा कि देख सकते हैं आप, इसकी इस वैल्यू फॉर मनी होने की वजह से ये वाला लैपटॉप जो है इस वक्त सोल्ड आउट दिखा रहा है, मोस्टली आपको ज्यादातर करेंटली सोल्ड आउट ही दिखाएगा, क्योंकि मसला ये है डेस्कटॉप के अंदर, बिल्डिंग के अंदर जो प्राइसेस हैं, स्पेशली डेस्कटॉप GPUs के, वो काफी ज्यादा हाई हो रहे हैं।
तो लोग लैपटॉप ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो इसलिए इस वक्त सोल्ड आउट ज़्यादा दिखा रहा है। लेकिन ये स्टॉक में आता रहता है, तो आप कभी भी इसको पकड़ सकते हैं, नोटिफाई में अपना ईमेल डाल के रजिस्टर कर लें, तो जब भी आप ये लैपटॉप आएगा वापस तो आपके पास ईमेल आ जाएगा फ्लिपकार्ट की वजह से। बाकी आप रोज़ाना खोल के देख लें एक बार, बीच में रिफ्रेश कर करके जब भी हो आपको टाइम मिले कि लैपटॉप आया नहीं आया, और अपने अकाउंट में पैसे रखें, फटाक से पकड़ लें जब भी ये स्टॉक में आए अगर आपको ये वाला लैपटॉप लेना है तो। और बाकी भी जितने भी चारों लैपटॉप है आगे जो बताऊंगा वो भी काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं, तो चलिए अब उनकी तरफ भी चलते हैं। लेकिन एंट्री लेवल में हाँ, अगर 95,000 रुपीज़ का किसी का बजट है, मतलब 1,00,000 रुपये के अंदर तक का मैक्सिमम, तो डेफिनेटली इस वाले लैपटॉप को वो आंखें बंद करके ले सकता है। बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप से मिलेगी। बस थर्मल्स के बारे में जो लोग भी कहते हैं, मैं बता दूँ थर्मल्स, यार आपको जितने भी लैपटॉप है मोस्टली गेमिंग लैपटॉप में थर्मल्स हाई मिलते हैं। बहुत ही हाई वाले जो लैपटॉप्स होते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, लाइक 2-2.5 लाख रुपए की प्राइस रेंज वाले, तो उनमें आपको थोड़ी थर्मल थ्रॉटलिंग कम मिलती है। लेकिन ये जो प्रोसेसर है, एक और मैं तुम्हें बता दूं, राइजन 5000 सीरीज के जैसे कि इस वाले लैपटॉप में लगा हुआ है, तो ये वाले प्रोसेसर जो है काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है, जिसकी वजह से इनकी जो हीट जनरेशन है वो काफी कम रहता है। तो आपको इन वाले लैपटॉप्स के अंदर कंपैरेटिवली जो पहले जो लैपटॉप्स आते थे गेमिंग, उनके कंपैरिजन में काफी कम आपको हीट देखने को मिलेगी। यानी कि अगर मान ली उनमें 90-95 डिग्री तक गेमिंग में टेम्परेचर जाता था फुल लोड्स के ऊपर, तो इनके अंदर आपको लगभग 5-7 डिग्री कम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लैपटॉप है वो आता है अमेजन के ऊपर, जो कि लिस्टेड अमेजन पे, तो ये है हमारा एसूस की तरफ से एसूस TUF सीरीज का -F15 लैपटॉप। इसका मॉडल ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं लंबा चौड़ा। बाकी इसकी स्पेक्स के बारे में बात करूं तो इसमें स्पेक्स काफी कमाल की मिल जाती हैं। और उससे पहले मैं बता दूं इसका प्राइस, ये जो है लगभग 1,02,000 रुपए के प्राइस बजट में आता है। 300 रुपए और है, ऐसी बात राउंड फिगर बता रहा हूं मैं, 1,02,000 रुपए के प्राइस बजट में ये लैपटॉप अवेलेबल है। और इसमें हमें मिलता है इंटेल का लेटेस्ट i5-11300H प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर के बारे में भी आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, ये प्रोसेसर जैसे कि आप इंटेल की अपनी साइट पे देख सकते हैं 11300H, ये जो है 4 कोर और 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। बेस क्लॉक इसमें जो मिलती है हमें 2.6 गीगाहर्ट्ज़ की मिलती है, और मैक्सिमम बूस्ट मिल जाती है अप टू 4.4 गीगाहर्ट्ज़ की। बाकी इसमें L3 कैश हमें 8 MB की मिलती है, और 35 वॉट की इसकी TDP बताई गई है कन्फिगरेबल, और जो लोएस्ट जो TDP जाती है इसकी 28 वॉट तक रहती है लोएस्ट। बाकी ये वाला प्रोसेसर जो है DDR4 की 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम सपोर्ट कर सकता है अप टू 64 GB तक की। और इस प्रोसेसर में अच्छी बात यह है, इसमें हमें इंटीग्रेटेड इंटेल के लेटेस्ट IRX Xe ग्राफिक्स कार्ड भी, ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो प्रोसेसर है 4 कोर और 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, अब इसमें 6 कोर हमें 12 थ्रेड्स नहीं मिलती, लेकिन ये प्रोसेसर अपने आप में काफी दमदार प्रोसेसर है, काफी ज्यादा पावरफुल है, स्पेशली अगर गेमिंग करनी है तो उसमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। और ये इंटेल की लेटेस्ट 10nm की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, हमारा इंटेल 14nm से खिसक के अब आ गया है 10nm के ऊपर, जिससे कि इसकी पावर एफिशिएंसी काफी अच्छी मिल जाती है लैपटॉप की। बैटरी बैकअप आपको इस प्रोसेसर के साथ में काफी अच्छा मिलेगा लैपटॉप में, और साथ ही में परफॉर्मेंस में भी काफी अच्छा बूस्ट देखने को मिला है कंपैरेटिवली टू 10 जनरेशन i5 प्रोसेसर्स। बाकी इस लैपटॉप के अंदर हमें वही RTX 3060 6GB ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है, 16GB टोटल रैम मिलती है, लेकिन इसमें हमें डुअल चैनल में रैम मिलती है, 8-8GB की 2 स्टिक मिलती हैं इसमें, यानी कि दोनों रैम स्लॉट्स गिरी हुई हैं इस लैपटॉप में। लेकिन 16GB काफ़ी रैम होती है इसके अंदर, सफिशेंट है चाहे आपको हैवी से हैवी गेमिंग करनी हो या कोई भी हैवी से हैवी टास्क करना हो, तो 16GB की मतलब एक नॉर्मली हैवी टास्क के लिए सफिशेंट है। डुअल चैनल इसमें मिल जाती है, 8-8GB की 2 स्टिक्स रैम। बाकी 512GB की इसमें SSD मिलती है हमें, M.2 NVMe हार्ड ड्राइव कोई नहीं मिलती इसमें हमें। 15.6 इंच की इसकी हमें डिस्प्ले मिलती है, और 144Hz का इसका रिफ्रेश रेट है इसके डिस्प्ले का। बाकी कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह हमें ठीक ठाक मिल जाता है इसके डिस्प्ले के अंदर। बाकी इसमें हमें 2 RGB बैकलेट कीबोर्ड मिल जाता है, कलर्स वगैरह इसके आप आराम से बैकलेट के चेंज कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर हमें जो है अपग्रेडेबिलिटी के बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं इस लैपटॉप के अंदर। मैं बताऊँ आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं M.2 NVMe की इसमें स्लॉट एक और खाली मिलती है, जिसमें हम एक और M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं। बाकी इसके अंदर एक हमें रैम की स्लॉट भी मिलती है ओपन, लेकिन रैम की स्लॉट दोनों गिरी हुई हैं, अगर आपको लगानी हो तो आपको रैम ऑलरेडी एक जो प्री इंस्टॉल्ड है एक या दोनों निकाल के फिर अपग्रेड करनी होगी। लेकिन अपग्रेडेबिलिटी का बहुत ईजी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पॉप अप ओपन स्क्रू लिखा है, आप अपने आप स्क्रूज ओपन करके, कोई सील वगैरह स्क्रूज में लगी जैसे मोस्टली लैपटॉप्स में लगी होती है कि सील वगैरह हट जाएगी स्क्रू खोलने से तो आपकी वारंटी चली जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं, अपने आप स्क्रू हटा करके अपने आप इसमें आप ग्रेडेशन आप कर सकते हैं जो भी इसमें ये अवेलेबल है M.2 NVMe SSD के या फिर रैम के। और बाकी इसके अंदर एक और बहुत ही अच्छा फीचर बताऊं, यूनिक, जो मतलब बहुत ही महंगे लैपटॉप्स में मिलता है, बहुत ही महंगे वाले
हमारे गेमिंग लैपटॉप्स में आप ये देख सकते हैं थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाती है इसमें। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट जो है या तो हमें मैकबुक्स वगैरह में देखने को मिलती है, हाई एंड मैकबुक्स वगैरह में, या फिर बहुत ही जो हाई एंड लैपटॉप्स वगैरह होते हैं गेमिंग के विंडोज़ बेस्ड, तो उनके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे हमें 1,02,000 में थंडरबोल्ट 4 पोर्ट का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी इसमें हमें वही सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं, लेटेस्ट USB 3.2 की और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाती है, और बाकी वाईफाई 6 लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.2 की सपोर्ट मिल जाती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है 16.6 आवर्स का बैटरी बैकअप इन लोगों ने वीडियो प्लेबैक का बता रखा है। तो उन्होंने अगर 16.6 बता रखा है तो आप मान के चलिए एटलीस्ट आपको 7-8 घंटे का आराम से वीडियो प्लेबैक मिल जाएगा लगभग 70% डिस्प्ले ब्राइटनेस के ऊपर, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेसर है i5-11300H ये काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। और जब खाली आप वीडियो प्लेबैक करेंगे तो RTX 3060 आपका साइलेंट रहेगा, इसके जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं वो वर्क कर रहे होंगे, i5 वाले जो हमारे आयरिस ग्राफिक्स हैं, जिसकी वजह से हमें बैटरी बैकअप बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। बाकी जो भी हम हैवी लोड वगैरह करेंगे गेमिंग ही जिसमें ग्राफिक इंटेंसिव वर्क होगा तो अपने आप हमारा RTX 3060 एक्टिव हो जाएगा जहाँ पे भी उसे ज़रूरत होगी। तो दोस्तों 1,02,000 रुपये के प्राइस रेट में ये वाला लैपटॉप भी काफ़ी दमदार, काफ़ी अच्छा अपग्रेडेबल लैपटॉप है, जिसे आसानी से हम अपग्रेड भी कर सकते हैं अपने आप स्क्रूज वगैरह खोल के। अब एक चीज़ थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस वाले और हमारे प्रीवियस वाले इस वाले एसर नाइट्रो वाले लैपटॉप में कि भैया इसमें 95,000 में हमें 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर मिल रहा था और इस वाले में हमें 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर मिल रहा है, तो इस वाले की परफॉर्मेंस क्या ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो मैं बता दूँ, अगर आप कोई ऐसा टास्क कर रहे हैं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा कोर्स की डिमांड हो, ज़्यादा कोर ज़्यादा थ्रेड्स की यूजेबिलिटी की डिमांड ज़्यादा हो, तो उसमें थोड़ा सा बेटर ये परफॉर्म करेगा Ryzen 5 5600H। लेकिन अगर खाली गेमिंग की बात करें हम, तो गेमिंग के अंदर और बाकी सारे जनरल टास्क में हमारा ये जो i5 प्रोसेसर है 11300H ये इसी के इक्विवेलेंट काम करेगा Ryzen 5 5600H के। तो गेमिंग में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस मिलेगी दोनों ही प्रोसेसर्स की, लेकिन बस थोड़ी सी आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी जहाँ पे मल्टी कोर्स का मामला आता है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर कोई ऐसा आप यूज़ करने वाले हैं जहाँ पे ज़्यादा कोर्स और ज़्यादा थ्रेड्स का यूज़ होने वाला है, तो इस प्रोसेसर के साथ में AMD के Ryzen 5 5600H के थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस आपको और मिल जाएगी कंपेरेटिवली टू दिस इंटेल प्रोसेसर। बाकी वाला जो बिल्ड वगैरह है इसकी भी फाइबर की बिल्ड दी गई है, हमारा जो हमारा ASUS TUF-F15 लैपटॉप है, लुक्स वगैरह काफ़ी अच्छे हमें प्रीमियम देखने में मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है ये सिर्फ जो है 2 kg का लैपटॉप है, खाली 2 किलो इस लैपटॉप का वेट है, तो काफ़ी लाइट वेट लैपटॉप है इन कंपेरेटिवली टू जो अदर गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह आते हैं, जैसे हमारा प्रीवियस वाला नाइट्रो 5 वाला लैपटॉप था जो ये सर का 2.3 kg का था। और ये जो लैपटॉप है स्लिम फॉर्म फैक्टर के अंदर बनाया गया है, जिससे कि इसका डिज़ाइन वगैरह लुक काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो लैपटॉप ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड लैपटॉप पे आते हैं हमारा, वो भी अमेजन पे ही लिस्टेड है हमारा, वो भी ASUS TUF सीरीज़ का लैपटॉप है, बस ये गेमिंग A15 सीरीज़ का है, और ये वाला था हमारा -F15 सीरीज़ का। थोड़ा बहुत डिज़ाइन का और फीचर्स का, माइनर से फीचर्स का फर्क मिल जाता है, बाकी सब चीज़ें सेम है इसके अंदर, सेम मतलब सब चीज़ें तो नहीं, प्रोसेसर अलग है इसके अंदर। प्रोसेसर इस वाले लैपटॉप में इसमें हमें मिलता है Ryzen 7 5800H प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर मैं दिखा दूँ दोस्तों आपको, ये जो प्रोसेसर है 8 कोर और 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, बेहतरीन प्रोसेसर है, 8 कोर और 16 थ्रेड्स में मिल जाते हैं आपको। 3.2 GHz की बेस है इसकी और 4.4 GHz की बूस्ट क्लॉक मिल जाती है इसमें, 16 MB की L3 कैश मिलती है, और ये भी AMD के लेटेस्ट 7nm आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। 45 वॉट की इसकी TDP है, मिड में लोएस्ट 35 और हाईएस्ट 54 वॉट तक जाती है। बाकी ये वाला जो प्रोसेसर है ये भी 32 MHz से लेकर के 4266 MHz तक की रैम को सपोर्ट कर लेता है। बाकी इस वाले प्रोसेसर के अंदर हमें इंटीग्रेटेड AMD के रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं, 2000 MHz की इनकी फ्रिक्वेंसी है और ग्राफिक्स कोर काउंट जिनमें 8 है। तो ये वाला प्रोसेसर जो है बहुत ही दमदार प्रोसेसर है इस लैपटॉप में जो हमें मिलता है, साथ में हमें मिलता है GeForce RTX 3060 6GB ग्राफिक्स कार्ड, 16GB की इसमें हमें DDR4 रैम मिल जाती है 32 MHz की सिंगल चैनल के अंदर, एक यानी कि एक स्लॉट खाली मिलेगी आपको, उसमें आप अपग्रेड कर सकते हैं। इसकी मैं एक बार आपको कंफर्मेशन देगा देता हूँ इन्हीं की वेबसाइट पे ही, तो ये ASUS की TUF सीरीज की वेबसाइट है, ये गेमिंग A15 ही मैंने खोला हुआ है, तो इसमें आपको जो है रैम अपग्रेडेबिलिटी के ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ इस वाले में भी आपको 2 M.2 NVMe की स्लॉट मिल जाती है, पॉप अप स्क्रू डिजाइन मिल रहा था जिससे आप खोल के अपने आप एक और SSD एक्स्ट्रा इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें हमें 1 TB की SSD मिलती है, और ये वाला लैपटॉप विंडोज 10 होम के साथ में ही आता है, वेट है इसका 2.3 kg। ये वाला इस वाले TUF सीरीज के -F15 से थोड़ा सा 300 ग्राम भारी है, वो 2.0 kg का था, ये 2.3 kg में। प्राइस की बात करूं दोस्तों तो मैं आपको दिखा दूं यहां बाइंग ऑल ऑप्शंस में, यहां पे ये लैपटॉप हमें मिल रहा है लगभग 1,18,680 का, तो राउंड फिगर में 1,18,500 मांग लें, तो 1,18,500 में ये
लैपटॉप काफी धांसू, काफी जबरदस्त लैपटॉप है TUF सीरीज का। और डिस्प्ले में बताना भूल गया, डिस्प्ले इसमें हमें 144 हर्ट्ज का IPS पैनल का डिस्प्ले मिल जाता है और RGB कीबोर्ड मिल जाता है इसके अंदर। बाकी सारा आप डिजाइन वगैरह इसका देख सकते हैं जैसा इसका डिजाइन है। और बाकी सारी पोर्ट्स वगैरह हमें वही मिल जाती है, USB 3.2 की पोर्ट्स वगैरह मैं आपको दिखा दूंगा एक बार इन्हीं की वेबसाइट पे। देख सकते हैं आप यहाँ पे USB 3.2 Gen 2 की पोर्ट मिल जाती है आपको, USB 3.2 Gen 1 की टाइप ए की और USB 3.2 Gen 1 की टाइप ए की दो पोर्ट्स मिल जाती हैं। HDMI 2.0 एक मिल जाता है, RJ45 कनेक्टर मिल जाता है, यहाँ पावर पोर्ट मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में ही दे दी गई हैं और एक 3.5mm जैक मिल जाता है लेफ्ट साइड में ही। राइट साइड में आपको USB 3.2 Gen 1 की टाइप ए की पोर्ट मिलती है और कैंसिंगटन लॉक मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी जैसे कि इसमें लैपटॉप में बताई गई है पावर वावर, जो पावर इसमें दिखा रहे हैं कि वेब ब्राउजिंग 13.5 घंटे, वीडियो प्लेबैक 14.5 घंटे बताया है उन्होंने। 90 वाट आवर की बैटरी इसमें मिल जाती है, तो बैटरी इसमें हमें थोड़ी बड़ी मिल रही है 90 वाट आवर की, जिससे कि हमें बैटरी बैकअप आराम से इसके अंदर 14.5 घंटे वीडियो प्लेबैक बताया है, तो इसके अंदर को आराम से आपको 7 से 7.5 घंटे का 70 से 80% ब्राइटनेस में आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। बाकी फास्ट चार्जिंग मिल जाती है और जितने भी लैपटॉप हैं सभी में आजकल फास्ट चार्जिंग आ रही है और जितने मैं अभी बता रहा हूँ उस वीडियो में उन सब में ही फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है। तो फास्ट चार्जिंग इस लैपटॉप के अंदर जो मिलती है 50% चार्ज कर देता है जीरो से इसका चार्जर जो है 30 मिनट्स के अंदर। ऑडियो उसमें थोड़ा और बेटर दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं वर्चुअल 7.1 सराउंड साउंड दिया गया है इसके अंदर, तो ऑडियो वगैरह आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएगा इस ASUS के लैपटॉप में। दोस्तों अगर आपका बजट है 1,18,680 रुपये तक का, यानी कि 1,19,000 हम कह लें राउंड फिगर में, तो आप डेफिनेटली इस वाले लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हैं और ये अवेलेबल है हमारा Amazon स्टोर पे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो इसी के ही आसपास है, इसी प्राइस बजट के, जो कि लिस्टेड है हमारा Flipkart के ऊपर, और ये है हमारा Acer Predator Helios 300 सीरीज का लैपटॉप। अब ये लैपटॉप जो है करंटली जो है थोड़ा ऑफर चल रहे हैं Flipkart पे, इसलिए हमें लगभग 1,13,000 का देखने में मिल रहा है, जनरली 1,16,000 का रहता है, तो फ्लैट 3,000 रुपये कम है इस लैपटॉप पे अभी। तो 1,16,000 में ये उसी प्राइस रेंज में आ जाता है जो हमारा प्रीवियस ASUS TUF वाला लैपटॉप था, 1,17,000 जो 600 वाला था। तो अभी अच्छा ऑफर है, फ्लैट 3,000 रुपये ऑफ भी है इसके ऊपर। इस लैपटॉप के अंदर हमें मिलता है इंटेल का लेटेस्ट कोर i7 10th generation का प्रोसेसर, और ये प्रोसेसर का मॉडल जो है इसमें ये वाला है, मैं दिखा दूँ आपको ये वाला, इसमें हमें प्रोसेसर मिल जाता है, कहाँ गया इसका मॉडल, ये 10870H प्रोसेसर। अब ये वाला जो प्रोसेसर है इसके बारे में बता दूं आपको, ये जो है i7 10870H प्रोसेसर, ये 8 कोर और 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है दोस्तों, 6 कोर वाला नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। बेस इसकी 2.2 GHz है, बूस्ट इसमें हमें 5 GHz तक की मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात है। बाकी 16 MB की L3 कैश इसमें मिल जाती है, 35 वाट्स की इसकी लोएस्ट TDP रहती है, मैक्सिमम 45 वाट तक रहती है, मैक्सिमम तो नहीं होगी ये मिड में ही होगी, मैक्सिमम समझिए वही 55-56 वाट तक जाएगी इसकी मैक्सिमम TDP। बाकी ये वाला प्रोसेसर जो है 3000 MHz तक की रैम को सपोर्ट कर लेता है, अप टू 128 GB तक रैम ये सपोर्ट करता है। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है इस वाले लैपटॉप में हमें जो मिल रहा है i7 10th generation का, ये मॉडल का प्रोसेसर 8 कोर 16 थ्रेड्स का, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, समझ लिए ऑलमोस्ट जो हमारा प्रीवियस लैपटॉप में प्रोसेसर था Ryzen 7 5800H, समझ लिए उसके इक्विवेलेंट ये परफॉर्मेंस देता है ऑलमोस्ट, गेमिंग में थोड़ी सी और बेटर परफॉर्मेंस देता है, बल्कि बाकी जनरल टास्क वगैरह में तो सिमिलर ही देगा, लेकिन गेमिंग के अंदर थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है इसकी, क्योंकि बूस्ट क्लॉक वगैरह जो है वो ज़्यादा है थोड़ी सी। बाकी इसमें हमें 16 GB की हमें DDR4 रैम मिल जाती है सिंगल स्टिक के अंदर, सिंगल चैनल में, चैनल जो है एक बार आप एग्जैक्टली, क्योंकि वेबसाइट्स पे मेंशन नहीं है, तो एक बार कस्टमर केयर पे आप कॉल करके पता कर लीजिएगा जो भी लैपटॉप ले रहे हो कि सिंगल चैनल रैम है या डुअल चैनल रैम है, जिनमें ऑलरेडी गिवन थी वो तो मैं बताते ही चल रहा हूँ आपको, लेकिन जिनमें एग्जैक्ट नहीं गिवन तो उनमें एक बार आप पता कर लीजिएगा कि सिंगल चैनल है डुअल चैनल में, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इशू हो तो। उसमें हमें 16 GB की DDR4 रैम मिलती है, 1 TB की हमें हार्ड डिस्क मिल जाती है 7200 RPM की, 256 GB की M.2 NVMe SSD मिल जाती है, साथ में विंडोज 10 होम प्री इंस्टॉल मिलती है और RTX 3060 ऑफ कोर्स ग्राफिक्स कार्ड मिलता है इसके अंदर हमें, और 144 Hz का हमें इसमें डिस्प्ले पैनल मिल जाता है अच्छे हमारे कलर रिप्रोडक्शन के साथ में, बहुत हाई लेवल के तो नहीं, बस ठीक ठाक आपको मतलब अच्छे खासे कलर्स वगैरह फिर भी रिप्रोडक्शन मिल जाएगा जितने भी हमारे अभी ये 3 लैपटॉप हैं जहाँ तक मैंने बताया इन सब में, सॉरी आई थिंक 4th लैपटॉप है, तो मतलब 4 के अंदर ही। बाकी लुक एंड डिज़ाइन इसका आप देख सकते हैं इमेजेस वगैरह में, इस तरह का इसका डिज़ाइन रहता है। RGB कीबोर्ड इसमें हमें मिल जाता है, बैकलेट सपोर्ट मिल जाती है RGB की। बाकी इसमें की टर्बो मिल जाती है, जिससे कि मतलब टर्बो की को दबाते ही मतलब पावर बूस्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस, अप एंड डाउन कर सकते हैं। बैटरी बैकअप अप टू 7 आवर्स का क्लेम किया है कंपनी ने, तो आपको 7 आवर्स का अगर दिया हुआ है तो आराम से वीडियो प्लेबैक आपको 6 घंटे तक तो आराम से मिल ही जाएगा।
इस लैपटॉप के अंदर 6 से 7 घंटे का ही आराम से आप मान के चलिए, क्योंकि ये लैपटॉप भी जो है इंटेल का i7 जो 10 जनरेशन का प्रोसेसर है, ये भी काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। और ये वाला जो प्रोसेसर है ये भी जो है इंटेल के जो लेटेस्ट ग्राफिक्स हैं, आयरिस वाले तो नहीं, उससे पहले जो आते थे USD ग्राफिक्स करके, उनके साथ में आता है। बाकी पोर्ट्स वगैरह इसमें जनरली वही सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं जो कि आती हैं 3.2 की, जेन 2 की, और टाइप सी पोर्ट भी मिल जाती है इसके अंदर। कैंसेंटिंग लॉक मिल जाता है, HDMI आउटपुट का सपोर्ट मिल जाता है जैसे कि हम यहाँ पे सब देख सकते हैं, और पावर ऑफ चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। एक USB 3.2 Gen 2 की पोर्ट में एक टाइप सी पोर्ट मिल जाती है USB 3.2 Gen 2 वाली, और एक माइक इन का सपोर्ट मिल जाता है जो कि सिंगल पोर्ट मिलता है 3.5mm जैक का, जो कि हेडफोन के लिए और माइक के लिए दोनों के लिए एक ही काम करता है। बाकी इसकी जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो 300 निट्स की दी गई है, और 72% NTSC कलर गैमेट मिलता है, तो कलर गैमेट इसमें थोड़ा सा और बेटर मिलता है कुछ हमारे PVS वाले लैपटॉप से। दोस्तों ये वाले लैपटॉप में या इस वाले लैपटॉप में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं यार इसमें और इसमें कौन सा लें, तो मैं पहली प्रेफरेंस दूंगा कि आप Acer Predator सीरीज को इसको प्रेफर करें, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें सिमिलर स्पेक्स ही मिल रही है इसमें, मतलब प्रोसेसर इसमें बस इंटेल का है, उसमें जो है AMD का है, लेकिन 8 कोर 16 थ्रेड्स के दोनों ही प्रोसेसर हैं गेमिंग, जबकि इसमें हमें इंटेल वाले में i7 में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी गेमिंग में, कुछ फ्रेम्स वगैरह थोड़े ज़्यादा बेटर मिलेंगे आपको, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन इसकी जो Predator Helios सीरीज की जो बिल्ड वगैरह है वो हमारी ये जो TUF सीरीज वाला लैपटॉप है इससे थोड़ी ज़्यादा बेटर रहती है, तो इसलिए मैं कहूँगा पहली प्रेफरेंस आप इस वाले को दें, वरना आप इस वाले को भी अपने चॉइस के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। हाँ वेट में हम देख लें एक बार वेट इनका कितना है, वेट भी ऑलमोस्ट सेम है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर लैपटॉप्स हैं। अब इसमें आपके पैसे भी ज़्यादा बच रहे हैं थोड़े, और कार्ड वगैरह लगा के अमेजन पे अभी वो फ्लिपकार्ट पे अभी ऑफर चल रहा है, या आगे भी कभी भी आप जब भी देख रहे हो ये वीडियो तो ऑफर वगैरह भी आपको देखें, तो ऑफर वगैरह में कोई सा भी आप पकड़ सकते हैं। पहली प्रेफरेंस आप Predator वाले को दें इसको, दूसरी प्रेफरेंस आप इस वाले लैपटॉप को दे सकते हैं। इसके बाद हमारा जो दोस्तों लास्ट लैपटॉप है वो भी फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड है, वो भी आता है हमारा यही Acer की Predator सीरीज के अंदर Helios 300 सीरीज में। अब ये वाला जो लैपटॉप है इसके अंदर प्रोसेसर तो हमें सेम मिलता है जो कि इसमें मिल रहा था i7 10 जनरेशन का प्रोसेसर, जो कि ये वाला था हमारा 10870H। लेकिन इसमें जो डिफरेंस आता है लैपटॉप में वो आता है इसमें हमें मिलता है ग्राफिक्स कार्ड NVIDIA का लेटेस्ट RTX 3070 8GB का ग्राफिक्स कार्ड। तो इस वाले लैपटॉप में हमें इस प्रोसेसर के साथ में RTX 3070 मिल जाता है, और 3070 होने की वजह से इसमें जो डिस्प्ले है वो हमें 240Hz रिफ्रेश रेट वाला दे दिया गया है, तो डिस्प्ले भी हमें इसमें और ज्यादा हमें बेटर मिल जाता है 240Hz वाला। और डिस्प्ले साइज तो वही है सेम 15.6 इंच का, वेट इसका 2.2 kg है, 100 ग्राम हल्का है हमारे इस वाले Predator लैपटॉप से। बाकी इसमें हमें विंडोज 10 होम इंस्टॉल मिल जाती है, 16GB DDR4 रैम मिलती है, और हमें इसमें SSD 1TB की मिल जाती है, देखने को हार्ड ड्राइव कोई नहीं दी गई लेकिन 1TB की SSD दे दी गई है, बहुत ही अच्छी बात है। ये लैपटॉप लगभग हमारा 1,55,000 रुपीज़ के प्राइस बजट में आता है, तो 1,55,000 प्राइस बजट में काफ़ी अच्छा काफ़ी डिसेंट स्पेक्स का लैपटॉप है। बाकी इसमें हमें वही सेम स्पेक्स मिल जाती हैं सेम जो हमारे प्रीवियस वाले इस लैपटॉप में थी, वही सेम RGB कीबोर्ड्स और वही सारी पोर्ट्स वगैरह दोनों साइडों में जो हमें मिलती हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी इस तरह से इसका Predator सीरीज का डिज़ाइन मिलता है जैसा कि आप देख सकते हैं, बैकलेट वगैरह रहती है लोगों में इसके, और ये लाइन जो है साइड में। ये वाला जो लैपटॉप था इसके अंदर जो है आपको मैं दिखा दूं बैकलेट को रहती है, इस वाले के अंदर भी आपको बैकलेट लेंगी बैक में देखने को जैसे कि इसमें है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है इस वाले लैपटॉप में, 240Hz का इसमें डिस्प्ले मिल जाता है और RTX 3070 मिल जाता है इसके अंदर, और 1TB की SSD मिल जाती है। ये कुछ डिफरेंसेस के साथ में ये लैपटॉप 155,000 के प्राइस बजट में मिलता है, जो कि ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है 1.5 लाख रुपए के प्राइस बजट में, और ये बहुत ही अच्छी डिसेंट लेवल की बहुत ही अच्छे FPS पे आराम से मोस्टली जितने भी गेम्स हैं आपके लेटेस्ट उसमें आपको आराम से ये 240Hz पे आराम से 90 से 100 FPS आराम से दिला के दे देगा। कुछ गेम्स में आपको कम देखने को मिल सकते हैं थर्मल थ्रॉटलिंग की वजह से, थोड़े बहुत FPS कम देखने को मिल सकते हैं, कभी 80-80 हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट FPS देखने को मिलेंगे RTX 3070 और इस प्रोसेसर के कॉम्बिनेशन के साथ में। सो दोस्तों ये थे हमारे कुछ बेस्ट टॉप 5 लैपटॉप्स 1,00,000 से 1,50,000 रुपए के प्राइस बजट के अंदर। सो दोस्तों ये थे बेस्ट 5 लैपटॉप जो कि आपने देख लिए होंगे अब, और इन बेस्ट 5 लैपटॉप्स में से अब आपका जो भी बजट सूट करता है, जो भी आपको सूटेबल लगे लेना वो आप ले सकते हैं। प्रोसेसर्स के बीच में जो भी डिफरेंस था वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता था बीच में कुछ दो लैपटॉप जो थे उनके बीच में जो प्रोसेसर का डिफरेंस था, प्राइस बजट सेम था या तो उनमें से कौन सा ले, मतलब आसपास बैठ रहे थे एक दो लैपटॉप जो थे, तो उनको भी मैंने डिफरेंसिएशन आपको प्रोसेसर को लेकर भी क्लियर कर दिया, ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रह जाए इन लैपटॉप्स में से जो भी आपको परचेज करना हो उसे लेने में। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक बिल्कुल करिएगा, लाइक ज्यादा से ज्यादा करा करिए यार आप लोग, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है ऐसी ऑसम वीडियोस आप लोगों के लिए रिसर्च करके बनाने में। सो फाइनल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, वियर द मास्क व्हेनेवर यू गो आउटसाइड एंड कीप स्माइलिंग।